और जिनके प्रयासों से जयपुर महानगर टाइम्स आज रजत महोत्सव मना रही है, जिनकी कलम में वो धार है जिसके लिए आप सब आज का यहाँ पर इकट्ठे हुए, ऐसे आदरणीय गोपाल शर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे वो भाई बहन जिनको आज सम्मानित किया गया, राजस्थान के सभी गणमान्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो भाई गोपाल शर्मा जी को 25 वर्ष की इस यात्रा में जो उल्लेखनीय कार्य उन्होंने जयपुर महानगर टाइम्स में किया है और आज इनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, मैं चाहता हूं इस 25 वर्ष की यात्रा पर करतल ध्वनि के साथ गोपाल शर्मा जी को बधाई, अभिनंदन और उनका स्वागत किया जाए। और मैं तो गोपाल जी यही कहूंगा कि निर्भीकता की बात करूं, निष्पक्षता की बात करूं या निपुणता के साथ साथ प्रमाणिकता के दक्ष प्रतीक अगर कोई है तो गोपाल शर्मा जी ने वो करके दिखाया है पत्रकारिता के क्षेत्र में। बहुत कम लोगों ने, मैं सुन रहा था आपने जब कहा कि आपने पत्रकारिता को शुरू करने का सोचा महानगर टाइम्स को, तो कईयों ने कहा कि शुरू होने से पहले बंद हो जाएगी। तो ऐसे अवसर तो हम सबके जीवन में आते होंगे जब कोई भी कार्य शुरू करने से पहले डराने वाले ज्यादा आते हैं, साथ देने वाले कम आते हैं। तो मैं आप सबको तो यही कहूंगा, मैं तो बहुत कम उम्र का हूं आप सबके सामने, तो कि हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है, परेशानियों से भागने से कुछ नहीं होता, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और आप लड़े भी, आपने पत्रकारिता के माध्यम से सच्ची खबरों को सही समय पर, समय समय पर जनता तक पहुंचाया। गुजरात में भूकंप आया 2001 की शायद बात है, उस समय तो मात्र 4 वर्ष हुए होंगे, लेकिन तब भी गोपाल जी आपकी अखबार ने वहां पर 50 लाख रुपए की मदद करने का काम किया, ये मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। और लगातार आप जो वयोवृद्ध पत्रकारों को, कोई 93 साल के, कोई 91 साल के, आप 1-1 लाख रुपया तो आजकल परिवार का कोई व्यक्ति नहीं देता, लेकिन आपने उन पत्रकारों को सम्मान के साथ साथ 1-1 लाख रुपया देने का काम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। यही नहीं मित्रों, ईमानदारी के साथ आपने चलाया है, हमने भी सरकार के माध्यम से PIB फैक्ट चेक शुरू किया है ताकि जो सरकार से जुड़ी हुई खबरें हैं उनको फैक्ट चेक आप PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और अगर इस देश में लोकमान्य तिलक से लेकर, गांधी जी से लेकर, वीर सावरकर जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस सहित अन्य लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का और संदेश देने का काम किया है, तो हमारा उद्देश्य भी आज अपने कर्तव्य को निभाने का होना चाहिए, सही खबर को सही समय तक सभी लोगों तक पहुंचाने का होना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय ने हम सबको, जो सरकारों पर भी चेक रखने की बात है, सचेत करने की बात है, सरकार में अगर कुछ कमियां उसको दर्शाने की बात है, उसका उल्लेख करने की बात है, तो साथ ही साथ सरकार की जो ऐसी नीतियां, कार्यक्रम जो जनता को लाभ देती है, उनको भी जन जन तक पहुंचाने की बात है, इसका भी एक बहुत बड़ा दायित्व लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर है, मीडिया पर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है महानगर टाइम्स और गोपाल शर्मा जी की टीम अपने उस दायित्व को ना केवल रजत जयंती तक बल्कि स्वर्ण जयंती से लेकर अपनी आने वाले कई वर्षों तक ये भूमिका निभाते रहेंगे। भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और इस शानदार कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय हिंद।